बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 रबीउल अव्वल का जो महीना है वो आ चुका है, तो ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए ये महीना बहुत ही बाबरकत और ख़ुशी वाला महीना है। तो हर कोई इस महीने में अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे गांव और इसके अलावा जो हमारे नज़दीकी गांव है वहां जो लाइटिंग की गई है ना मस्जिदों में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो लाइटिंग मैंने अपने घर पे की है अभी और करूंगा, क्योंकि अभी एक दिन बाकी है। मगर आज फ्राइडे है तो संडे को 12 रबीउल अव्वल है, तो चलें आज आपको दिखाते हैं जो लाइटिंग वगैरह की हुई है। तो ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं ये अभी ये पहले की लाइटिंग पड़ी हुई थी, तो ये मैंने तो ये देख सकते हैं ये लाइटिंग मैंने की हुई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जो अपने गांव की लाइटिंग है वहाँ जाकर मिलते हैं। ये देखें ये घूमने वाला एक बल्ब लगाया हुआ है। तो अभी ये देख सकते हैं ये बाइक खड़ी है मेरी, तो मैं बाइक पे जा रहा हूँ। हमारे इर्द गिर्द के जो गांव है ना वो लाइटिंग आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं जैन भी मेरे साथ है, तो चलें देख। तो अभी हम अपने गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर ये एक गांव है उधर आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये लाइटिंग, ये देखें एक मस्जिद में लाइटिंग की हुई है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग है। तो चलिए देखते हैं ये। हाँ जैन, कैसी लग रही है लाइटिंग? लाइटिंग तो बहुत अच्छी है। वापस आ गए हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे होंगे तो उस मस्जिद में से हम वापस आ गए हैं। ये देख सकते हैं जैन भी मेरे साथ है, तो बाइक ये बाइक खड़ी है। तो अभी हम घर आए हैं, तो वो लाइटिंग देखकर तो गांव वाली मस्जिद में भी मैं और जैन गए थे, लेकिन उधर लाइट की वजह से ना वो लाइट चली गई हुई थी, इसलिए वो नहीं दिखा सके। तो ये थी आज की हमारी मोहब्बत भरी वीडियो। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।